वैसे चार चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें से एक चीज़ तो मेरे मतलब मेरे पास खुद भी नहीं है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छा डेवलपर कैसे बन सकते हो। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जिस भी कोडिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट याद रखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी कोडिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो उस कोडिंग लैंग्वेज में ना बहुत परफेक्ट रहो। ऐसा मत करो आप कि आप मतलब अगर जावा सीख रहे हो तो फिर आपका आपके मन में ऐसा है कि नहीं अब मुझे बैकएंड पीएचपी सीख लेना चाहिए या Node.js सीख लेना चाहिए या फिर एंगुलर सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ आप कर रहे हो पहले उसको कंप्लीट सीखो, वरना क्या होता है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले मतलब पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ईजी लगता है तो थोड़ा वो सीख लेंगे, उसके बाद उनको लगता है यार इससे आसान तो Node.js है वो सीख लेते हैं, फिर उनको ऐसा लगेगा नहीं यार पहले HTML तो सीख लें, HTML CSS आता नहीं है और हम डायरेक्टली PHP सीखने के लिए आ गए। तो ऐसा कभी नहीं कर रहे हैं आपको मेरे ना मतलब इस बात को ध्यान रखिए, जो भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें परफेक्ट बनो, फिर वो चाहे कितना ही ओल्ड कोडिंग लैंग्वेज क्यों ना हो। दोस्तों एक अच्छा डेवलपर कैसे बने, एक्चुअली मैं भी एक एंड्रॉयड डेवलपर हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। दोस्तों होता क्या है, वैसे आप सभी को पता है इस चैनल पे मेरा टेम्पलेट पे मैं ज़्यादातर एप्लीकेशन के केस स्टडीज और एप्लीकेशन के डेवलपमेंट कॉस्ट, एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ, ताकि आप लोग अगर एप्लीकेशन मतलब आप नॉन टेक्निकल हो और एप्लीकेशन बनवाने के बारे में इंटरेस्ट रखते हो फिर एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना, अगर आप मेरी सभी वीडियोज वॉच करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस, AM सर्विस, सर्वर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ और वो भी हिंदी में, ठीक है। तो जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए ये चैनल काफ़ी बेस्ट है। प्लस मेरे इस चैनल पे बहुत मतलब ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं एंड्रॉयड डेवलपिंग को लेके, और एंड्रॉयड डेवलपिंग फील्ड बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपिंग नहीं कोडिंग फील्ड ही कंप्लीट मतलब एंड्रॉयड बैकएंड iOS ये सभी चीजें बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो आपको पता है मेरे चैनल पे मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए हैं, आप सीख भी सकते हो मतलब एंड्रॉयड वगैरह एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, इनके ऊपर कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स तो मैंने मेरे चैनल पे डाल के रखे हुए हैं। और मेरे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में मैं अडोब XD या फिर एंड्रॉयड को लेके बहुत सारे प्रीमियम वीडियोस प्लस फ्री वीडियोस भी लाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिले। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जो आप बनोगे मतलब एक डेवलपर, फिर वो चाहे आप बैकएंड डेवलपर बनो, फ्रंट एंड डेवलपर बनो, वेब डेवलपर बनो, जो भी आप बनो, पर एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए मतलब आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और आप मतलब एक प्रोफेशनलिटी कैसे दिखा सकते हो और प्रोफेशनल लाइफ आप कैसे जी सकते हो एक अच्छा डेवलपर बनने के बाद, और आपको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे चार चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें से एक चीज़ तो मतलब मेरे पास खुद भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक एंड्रॉयड एक्चुअली मेरे मुंह पे बार बार एंड्रॉयड आ रहा है क्योंकि मैं खुद एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, जब आप कोई मतलब डेवलपर बन जाते हो कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख लेते हो, ज़्यादातर मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि फ्लटर सीख लीजिए ज़्यादा बेस्ट है, और डिजाइनिंग पार्ट के लिए जो कि यार बहुत ईजी है मुझे लगता है अडोब XD जो कि मेरे आने वाले वीडियोज़ में उसके ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं तो वो आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप एक डेवलपर बन जाते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपको मतलब जितना आप लॉजिकली सोचते हो और जो एप्लीकेशंस हैं उनको कितने स्मार्टली उनके एरर्स को सॉल्व करते हो, ये आपको वहां पे दिखाना है, मतलब वहां पे आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है उन सभी के बीच में। क्योंकि जब अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो हालांकि मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डेवलपर बनने के बाद एक कंपनी ज्वाइन करो, हाँ एक्सपीरियंस तक तो ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो क्योंकि फ्रीलांसिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। खैर इस वीडियो में मैं कमाने वाले पार्ट को लेकर या फिर कमाने वाले पार्ट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छा डेवलपर कैसे बन सकते हो। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जिस भी कोडिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट याद रखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी कोडिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो उस कोडिंग लैंग्वेज में ना बहुत परफेक्ट रहो। ऐसा मत करो आप कि आप मतलब अगर जावा सीख रहे हो तो फिर आपका आपके मन में ऐसा है कि नहीं अब मुझे बैकएंड PHP सीख लेना चाहिए या Node.js सीख लेना चाहिए या फिर एंगुलर सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ आप कर रहे हो पहले उसको कंप्लीट सीखो, वरना क्या होता है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले मतलब पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ईजी लगता है तो थोड़ा वो सीख लेंगे, उसके बाद उनको लगता है यार इससे आसान तो Node.js है वो सीख लेते हैं, फिर उनको ऐसा लगेगा नहीं यार पहले HTML तो सीख लें, HTML CSS आता नहीं है और हम डायरेक्टली PHP सीखने के लिए आ गए। तो ऐसा कभी नहीं कर रहे हैं आपको मेरे ना मतलब इस बात को ध्यान रखिए, जो भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें परफेक्ट बनो,
फिर वो चाहे कितना ही ओल्ड कोडिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, परफेक्ट रहो एकदम। पीएचपी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, लोगों के मन में ना ऐसा रहता है कि यार पीएचपी तो अब आउटडेटेड हो गया है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल कंपनी में, ऐसा यूज़ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इवन हम अपने एप्लीकेशन के अंदर पीएचपी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसका कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं एडमिन पैनल बनाने के लिए, और अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीखते हो उसमें परफेक्ट रहो। परफेक्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मुझे इस एप्लीकेशन में ये एरर है और आप उस कोडिंग के एक्सपर्ट हो, तो आपको विद इन मिनट वो एरर समझना है और सॉल्व कर देना है। इतना परफेक्ट आपको बन जाना है कोडिंग में, सबसे फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, आपका प्रोफाइल कभी भी ना खराब मत होने दो, एक बेस्ट प्रोफाइल बनाओ। बेस्ट प्रोफाइल से मेरा ये मतलब है, अगर तो आप कंपनी में हो तो वहां पे भी आपको पता होगा कि आप जो टास्क करते हो ना, उस टास्क के हिसाब से और आप कितनी स्पीड में कर रहे हो, उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट, इंप्रूवमेंट, जो भी मतलब इंक्रीमेंट जो बोल दीजिए ना, अप्रेजल लेटर वगैरह मिलता है कंपनी में, मतलब सैलरी बढ़ती है, वो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होता है। तो खैर वो कंपनी की बात है। अब यहाँ पे जब आप खुद इंडिविजुअल काम करते हो तो यहाँ पे मैटर बहुत ज़्यादा करता है आपका प्रोफाइल। कंपनी में अगर आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ सैलरी कम होगी या जो सैलरी है मेंटेन रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्रोफाइल खराब हुआ तो आपका करियर भी खराब हो जाएगा। फर्स्ट, आपको जो कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें परफेक्ट रहो। सेकेंड जो है वो है प्रोफाइल, मतलब अपने प्रोफाइल को हमेशा प्रोफेशनल तरीके से दिखाना, और जो भी आपने काम किया है, जो आपका जो भी जिस क्लाइंट को आपने डिलीवर किया है वो ना हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए आपसे। ऐसा नहीं कि आपने काम करके दे दिया और आपका सामने वाला क्लाइंट अनसेटिस्फाइड है और वो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि आपसे वर्क लेगा ही नहीं, फिर वो चाहे कैसा भी वर्क हो वो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट नहीं करेगा। तो फ्रीलांसिंग में ना प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। प्रोफाइल जितना स्ट्रांग है आपका, जितना अच्छा रेटिंग है आपके प्रोफाइल को, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे और उतना ज़्यादा बिजनेस कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, और ये तीसरा वाला पॉइंट एक्चुअली मतलब है तो बहुत अच्छा पर मुझसे भी नहीं होता ये, और वो है पेशेंस। दोस्तों क्या होता है, जब आप खुद का एप्लीकेशन बना रहे होते हो ना, जब आप अपना खुद का एप्लीकेशन बनाते हो, उसे प्ले स्टोर पर डालते हो या फिर आप किसी क्लाइंट का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो अगर एक छोटा सा एरर आ जाए ना, एक वर्ड सिर्फ मिस हो जाए या वहाँ कुछ लाल दिख जाए, तो हम मतलब टेंशन में आ जाते हैं और उस एरर को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे सॉल्व करोगे, एक घंटे सॉल्व करोगे, उसके बाद आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा, कीपैड को ऐसे पटक दोगे या दिमाग खराब हो जाएगा, बाहर चले जाओगे रूम से, अपने कम्फर्ट जोन से कुछ अलग करने का मन करता है। फिर उस टाइम हमको ये फील होता है कि नहीं यार, नहीं करना कोडिंग, बहुत अजीब है ये, एक एरर के लिए हमें इतना रुकना पड़ रहा है, ठीक है। तो यस, पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो मे भी हो सकता है फिर आप कोडिंग ना कर पाओ और भविष्य में कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी ना ले पाओ, ठीक है। तो तीसरा है आपको मतलब पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट मेरा फेवरेट है, जो मैं बहुत इसको फॉलो करता हूँ। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कभी भी कि आपने कोडिंग की, ठीक है, दो चीज़ें हैं, अगर आप कंपनी में कोडिंग कर रहे हो तो पार्ट अलग है, आप डिलीवर कर रहे हो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हो एंड सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ फंक्शन बाद में आपको दोबारा करना पड़ रहा है, ठीक है, वो बात अलग, कंपनी की बात अलग है। अगर आप फ्रीलांसिंग में या खुद बिजनेस कर रहे हो तो खुद के जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो या किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो समटाइम ऐसा होता है दोस्तों कि आपने प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा किया और आपने डिलीवर भी कर दिया, भविष्य में कुछ एंड्रॉयड के अपडेट्स को लेके 11, 12, 13 ऐसा आ गया और उस टाइम आपके एप्लीकेशन नहीं चल रहा है या कुछ बग्स आए, तो सामने वाला क्लाइंट आपको बहुत ना मतलब एक टॉन्ट जैसा मारता है, क्या कोडिंग की है तुमने, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत सारे बोलते हैं ऐसे। तो सामने से कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है यार, मतलब मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना मेहनत किया और सामने वाला मुझे ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ना एंड्रॉयड डेवलपर या पीएचपी डेवलपर या कोई भी डेवलपर हो उसके साथ हमेशा ये होता है, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप क्योंकि उनको क्या पता है कि आप कितना वर्क करते हो यार, आप कितनी मेहनत करते हो, आपने कितना टाइम स्पेंड किया है उसके पीछे, वो सामने वाला क्लाइंट नहीं जानेगा, उसको तो यही लगेगा मैंने इसको पैसा दिया इसने मेरा काम करके दिया, पर उसको वही काम करने में कितना टाइम लगा, कितना सोच समझे, कितना लॉजिक क्रिएट किया उसने, कितना इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगा उसका, आपके प्रोजेक्ट को उतनी जल्दी उसने कवर किया है, वो क्लाइंट नहीं समझते हैं, ठीक है। ये आप मतलब आपकी हमारी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सिर्फ डेवलपर ही समझ सकता है, मतलब उसको ना कभी टेंशन डिप्रेस नहीं होना यार उस चीज को लेकर, कभी भी नहीं। और कभी भी कोडिंग करना ना तो एक स्टैंडर्ड लेवल की कोडिंग करनी है, ठीक है, क्लीन एंड नीट। ऐसा नहीं कि आपने कुछ फाइल्स यहाँ डाले हैं कचड़े की तरह, कुछ वहाँ फाइल डाला, ऐसा बिल्कुल मत करना, वैसे आप तो कंफ्यूज रहोगे, सामने वाला अगर वो प्रोजेक्ट कोई दूसरा करने बैठ गया ना वो भी पूरा कंफ्यूज हो जाएगा और उससे आपकी इमेज खराब होगी कि यार क्या कुछ भी करके रखा है।
तो कोडिंग का भी ना एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है यार, करना है तो उस लेवल पे करना है। तो इन चारों पॉइंट को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो ना फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन जाओगे, और आपको फॉलो करना भी चाहिए। जिसमें से ये चारों ही पॉइंट मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया आपको, जो पेशेंस वाली बात थी वो मेरे अंदर भी नहीं रहती है। समटाइम मैं भी बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं यार छोड़ो इसको, कोई दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपके फ्रेंड्स हैं डेवलपर्स कोडिंग वगैरह करते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।